ये हो गया नॉन वेज स्वीट कॉर्न सूप। घबराए ना, सूप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस खाली आप रेसिपी अच्छी तरह यूज करें। अब बहुत सिंपल, मैं कोई भी चीज बताता हूँ ना, एकदम सिंपल बताता हूँ। तो ये थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, रफी के जायके मैं आप सभी को खुशामदीद। तो आज हम बनाएंगे सूप, स्वीट कॉर्न सूप बनाएंगे, वेज एंड नॉन वेज दोनों। तो ये रख दिया हमने पानी सूप के लिए तैयारी। ये हमने कॉर्न ले लिया है, कॉर्न हमारा टीन वाला ही है जो पैक आता है। तो कॉर्न को जब भी पैकिंग वाला आपके पास टीन वाला आता है, उसको पहले आप बॉयल करें, बॉयल करने के बाद उसको यूज करें क्योंकि उसके अंदर स्मेल रहता है। तो हमने कॉर्न लिया है, तो बॉयल करने के बाद थोड़ा सा हमने निकाल लिया है, 40% जितना अखा साबुत, और बाकी को हमने क्रश कर लिया है, ग्राइंडर में क्रश कर लिया है। तो ये जो हमने क्रश किया है ये ही डाल देना है आपको पानी के अंदर, और इसे बढ़िया से, ये हो गया। और इसके अंदर ही थोड़ा सा हम डाल देंगे ग्रीन चिल्ली कटा हुआ थोड़ा सा, और आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। और कॉर्न के अंदर कलर आ जाए थोड़ा, यानी सूप थोड़ा सा कलरफुल भी दिखना चाहिए, तो उसके अंदर एक चुटकी हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया, और अब इसी के अंदर हम वेजिटेबल डालेंगे। वेजिटेबल क्या है, जैसे कि फंसी आप डालते हैं जो बीन्स बोलते हैं, ग्रीन बीन्स, ये देख लो, तो ये बारीक कटा हुआ रहता है, ये कुछ सेकंडों में पक जाते हैं, इसको पकने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। और सूप के अंदर बहुत ज्यादा पकाते हो वेजिटेबल, फिर वो कलर उसका डल हो जाता है, कलर नहीं दिखता है अच्छा। तो इसके लिए हमने और कुछ नहीं डाला, जो क्रश डाला है वही डाला है, थोड़ी सी हल्दी, नमक डाला है। अब ये हमारा पानी बॉयल होने लगा है, इस बीच में हम डाल देते हैं जो हमने बीन्स बताया था आपको, डाल दिया कैरेट, और ये साबुत कॉर्न इसे भी डाल देंगे हम इसके अंदर, और थोड़ा सा जिंजर चॉपिंग किया हुआ है उसे भी डाल देंगे कॉर्न के अंदर। जिंजर डालने के बाद कॉर्न का जो रुख है वो चेंज हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है अच्छा। और एक चीज, जब अब आपका वेजिटेबल जब बॉयल होता रहता है तो उसमें झाग आते रहते हैं ठीक है, और आपने वो डाला है जो क्या कहते हैं हल्दी, तो उसको भी फेस के सहारे यूं निकाल लें ताकि आपका सूप जो है वो थोड़ा सा क्लियर दिखे, गंदा ना दिखे ठीक है। तो इस तरह आपको छान लेना है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, सीलिंग कर लेते हैं, मसाला डाल देते हैं, बाकी क्या बचा, खटास मिठास, और थोड़ा सा देख लेते हैं कॉर्नफ्लोर वगैरह। तो ये डाल दिया हमने थोड़ा सा विनेगर, और ये डाल दिया शक्कर, और थोड़ा सा एक डेढ़ टेबल स्पून डाल देते हैं इसके अंदर कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर, ताकि थिकनेस भी हो जाए। तो ये हो गया कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जब भी डालें आप, चलाते रहना है आपको और डालते रहना है, वरना वो नीचे जाके तुरंत बैठ जाएगा। तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर हम और डालेंगे, लेकिन याद रहे आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना है। और एक चीज कि जब आप कॉर्नफ्लावर डालते हो उसके बाद एक बॉयल काफी है, फिर ज्यादा देर तक आपको पकाना नहीं, तो नीचे जाके वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो खिचड़ी की तरह हो जाएगा, सूप नहीं रह जाएगा ठीक है। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट और डालेंगे, बस ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, दो सूप कर देते हैं वेज और दो कर देते हैं नॉन वेज। थोड़ा सा व्हाइट पेपर डाल देंगे बस, उसके बाद लास्ट। तो ये हो गया वेज सूप रेडी,
तो दोस्तों ये वेज वाला हमने बना के रेडी कर दिया है, अब आपको हम नॉन वेज वाला दिखाते हैं। तो दोस्तों एक एग फोल्ड लिया है हमने, थोड़ा सा उसको हम फेंक लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम ड्रॉप डाल देंगे एग का। तो उसके बाद यू चलाते रहना है, ठीक है, कुछ सेकंड, कुछ सेकंड मतलब 2 सेकंड काफी होगा। उसके बाद यू चलाते रहा, ड्रॉप थोड़ा सा और डाल दिया और ये नॉनवेज बनके रेडी हो गया। तो कितना सिंपल है सूप बनाना। अब इसके अंदर आज चिकन डालो, मटन डालो, जो इच्छा है वो डालो, लेकिन हमने आपको ड्रॉप डाल के दिखा दिया। ये हो गया नॉनवेज स्वीट कॉर्न सूप। घबराए ना, सूप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस खाली आप रेसिपी अच्छी तरह यूज करें। अब बहुत सिंपल मैं कोई भी चीज बताता हूँ ना, एकदम सिंपल बताता हूँ, ज्यादा तामझाम नहीं दिखाता हूँ कि आप सुनते ही घबरा जाएं और सूप बना ना पाए। तो ये थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल दिया और सूप हमारा ले चलिए, पीते हैं बैठ के साथ में।